हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में थी मैं अपने होम टाउन आई हूँ दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो बस मेरे को एक ही चिंता सताई जा रही थी कि मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ आज भी ट्रैवलिंग में हूँ जस्ट अभी पहुँचे हैं हम अपने एक मंदिर गए थे काफ़ी दूर था यहाँ से तो प्लीज़ ये वीडियो भी मैं बहुत लेट नाइट बना रही हूँ तो आप जल्दी से थ्री मार्क्स के क्वेश्चन लिखिए इनको छोड़ के नहीं जाना है ये पी वाई क्यू आए हैं तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को लिखवाती हूँ सो वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन सी है हंड्रेड मार्क्स के सो राइट डाउन नंबर वन राइट इज शॉर्ट नोट ऑन वेरिएबल्स डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट फर्स्ट क्वेश्चन है देन सेकेंड है इन्फॉर्म्ड कंसेंट देन थर्ड है वुड कॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी ठीक है इसमें आपको जो है टेस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ठीक है देन फोर्थ क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ये बार बार रिपीट हुआ है देन फिफ्थ क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ एंड दी वीकनेस ऑफ द सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री देन सिक्स क्वेश्चन इज कलर सॉर्टिंग टेस्ट देन सेवंथ इज एग्जिट इंटरव्यू देन एट्थ इज एक्टोरियल एंड बायोग्राफिकल डाटा इसके ऊपर आपने नोट लिखने थ्री मार्क्स के लिए है ठीक है, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स देन वी हैव इलेवेंथ क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन लिखिए काफमेन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रेन देन वी हैव इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी तो हमारे पास ये कितने क्वेश्चन हो गए एलेवन और थर्टीन थर्टीन क्वेश्चन हो गए ठीक है अराउंड मैंने थर्टी कुछ क्वेश्चन है तो आप लास्ट में मैं एक पिक भी दे दूँगी हमेशा की तरह ठीक है तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है इससे आप रिवाइज करोगे कि आपने ये किया है कि नहीं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिट इंटरव्यू ठीक है तो uh, उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया है देन नेक्स्ट इज आप प्लीज सीक्वेंस आप देख लेना लगा देना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज ऑफ द टेस्ट बैटरीज इनका यूज होता क्या है देन वी हैव दास एंड नीलगरी कंगनेटिव असेसमेंट स्केल ठीक है देन नेक्स्ट इज एडिक्शन असेसमेंट अब आई थिंक ये एटीन क्वेश्चन होगा डायरेक्ट uh, ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं देन वी हैव मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसके स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ जो प्रैक्टिकल फाइल है हमारी वहाँ से करने हैं ठीक है थीके? ये ये कई बार टेन मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है देन वी हैव क्राइसिस इंटरव्यू देन दिस सिक्सटीन पी एफ जितने प्रैक्टिकल में टेस्ट है वो एक भी नहीं छोड़ के जाना है ठीक है देन नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश फील्ड ऑब्जर्वेशन कॉग्नेटिव असेसमेंट देन नेक्स्ट इज एडिक्शन असेसमेंट देन देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट एज ट्रीटमेंट ठीक है देन वी हैव एनालोगी ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट इज अनसर्टेन गेट कीपिंग प्लीज सिक्वेंस आप देख लेना मेरे से थोड़ा सा सीक्वेंस में इरेगुलर हो गया है मैं लास्ट में जो है पिक भेजूंगी वहाँ से आपको ज़्यादा सही से लगेगा टोटली थर्टी सेवन क्वेश्चन है ठीक है देन वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिक साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ये पहले भी आ चुका है आई थिंक रिपीट हुआ है बार बार ये थ्री मार्क्स के पी वाई क्यूज है देन वी हैव सेल्फ एंड द इंटरपर्सनल फंक्शनिंग कॉन्टीन ठीक है देन नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन बाईस उसके बाद आता है हमारे पास प्रिकॉशन इन चिल्ड्रन ए प्रसप्शन टेस्ट जो टैट है रोशार है जो हमारे प्रैक्टिकल में वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने ठीक है थीके? आज ये मैंने थ्री मार्क्स के अपलोड किया शायद मुझे सिक्स मार्क्स या टेन मार्क्स के अपलोड करने का टाइम ना लगे लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ जितने हमारे प्रैक्टिकल में टेस्ट है टैट आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे रोशार आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये सारे हमारे टेन मार्क्स के लिए बनते हैं ये क्वेश्चन तो ये आपने अच्छे से करना है ऑल दी वेरी बेस्ट आई थिंक आप लोगों का फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया होगा तो आई विल डेफिनेटली प्रे कि आप लोगों का सेकेंड पेपर भी अच्छा हो टाइम मिला तो सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड करूँगी लेकिन आपने जितने भी टेस्ट हमारे प्रैक्टिकल में वो नहीं छोड़ने ऑल दी वेरी बेस्ट जल्द ही लेके आऊँगी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग